देखो इस क्वेश्चन में ऐसे बोले, इस डायरेक्शन में एक ट्रेन चल रही है, ठीक है? तो ये डायरेक्शन मैं नॉर्थ डायरेक्शन मान लेता हूं, ये ऑब्वियसली साउथ होगी, और नॉर्थ को मान लेता हूं प्लस, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब आपका आंसर अगर पॉजिटिव आए तो समझ लो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और नेगेटिव आता है तो समझ लो साउथ है। उसने कहा टू पैरेलल ट्रैक्स रन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ट्रेन ए मूव्स ड्यू नॉर्थ, ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ चल रही है, ए कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है? फिर उसने कहा एंड ट्रेन बी मूव्स ड्यू साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक और इसके साथ में पैरेलल ट्रैक है ये, इसमें यहां पर बी ट्रेन है वो साउथ की तरफ चल रही है, कितने से? 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक। अब उसने कहा एक मंकी भी है, रन्स ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, एक ही ट्रेन के ऊपर, ए ट्रेन के ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑफ ए मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा मंकी? साउथ में जा रहा होगा, ठीक है? तो ये मंकी जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मंकी साउथ में कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। ये सब बना दिए हमने, ठीक है? अब सुनो पहला क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेक्टर फॉर्म में, बी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, यही लिखते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बी बी, बी की वेलोसिटी कितनी है? 90 है, इधर है 90, है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में, साउथ में तो माइनस आएगा, तो वेक्टर तो अपने को डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तो माइनस 90, वी ए 54, वो इधर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, 54, सॉल्व कर लो, माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। तो ये माइनस में आया, माइनस कौन सी डायरेक्शन है? साउथ की आ जाएगी, साउथ, ठीक है, समझ आ गया? ये पहला हुआ। सेकंड क्या पूछा है उसने? उसने पूछा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेक्टर फॉर्म में तोड़ो, वी जी माइनस वी बी, वी जी ग्राउंड, ग्राउंड तो मूव कर नहीं रहा तो जीरो, वी बी, बी किधर जा रहा है? इधर साउथ में जा रहा है, तो माइनस में आ रहा, माइनस 90, दैट इज ये कितना आया? प्लस 90 किलोमीटर पर आवर, प्लस आया मतलब नॉर्थ में जा रहा होगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या है बोलो? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, लेकिन क्या इससे आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कोई ऐसा फॉर्मूला देखें जिसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मंकी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है? क्वेश्चन को पढ़ के देखो, वो उसने लिखा है, देखिएगा आप ध्यान से, कि अ मंकी रन्स ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो एक्चुअली ये वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो हम इसी का यूज करें, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिख पाएंगे इसको? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, ये लिख पाएंगे। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी दी है? 18, माइनस में या प्लस में? माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि वो इधर जा रहा है साउथ में, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये किसके रिस्पेक्ट में है? कुछ नहीं कहा जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई, माइनस बी ए, बोलो
ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 54। किधर है? नॉर्थ, मतलब पॉजिटिव, तो 54 आ जाएगा। वीएम निकालना है, बोलो। -18 प्लस 54 कितना आ गया, बोलो। 36 प्लस या माइनस? प्लस। 36 किलोमीटर पर आवर, तो प्लस है तो नॉर्थ वर्ल्ड। ठीक है, फोर्थ बोलो। फोर्थ में बोला वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। चलो सॉल्व करें। वीएम बी, वीएम कितना है? वीएम निकाला हमने 36, नॉर्थ में निकला है, मतलब 36 प्लस का। वीबी, बी कितना है? 90। इधर है माइनस का, 90 आएगा। कितना आ गया? 36 प्लस 91, 26 प्लस का आ रहा है। इसका मतलब किधर है? नॉर्थ में। समझ रहे हैं? दो टाउन है, इतने तो बना ही दें, जैसे जितना समझ आ जाए उतना बना दो। ठीक है, एक टाउन हो गया ए और दूसरा टाउन हो गया ये बी। ठीक है, टाउन ए और टाउन बी। फिर क्या बोला? दोनों से कनेक्टेड हैं और रेगुलर बस सर्विस है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है रेगुलर बस सर्विस से। इसका मतलब है ए से बस निकल रही है बी की तरफ और एवरी टी मिनट पर निकलती है। बी से भी एवरी टी मिनट पर एक बस निकलती है, यही बोला। ठीक है, दोनों रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है और इधर से एक बस स्टार्ट हुई, ये आ गई यहां पर, ये बस आ गई यहां पर। ठीक, फिर इसके और आगे आगे चलेगी, एक बस ये इधर आ गई, एक बस ये इधर आ गई, एक यहां पहुंच गई। ठीक है, एवरी टी सेकंड टी मिनट पर निकल रही है ना, तो ऐसी बहुत सारी बस बी पर पहुंचेंगी। अब पता नहीं कितनी पहुंचेंगी ये नहीं पता, लेकिन एवरी टी मिनट पर एक एक बस निकल रही है। तो जब ये बस यहां पर होगी, ये वाली बस, तो इधर से एक और निकलने वाली होगी, होगी कि नहीं? ये बहुत सारी बस इधर जा रही है, सोचो। तो जब ये बस यहां पहुंच गई और इसने यहां से यहां तक जितनी भी डिस्टेंस है वो कवर करने में कितना टाइम लिया होगा? कैपिटल टी मिनट लिया होगा, तभी तो दूसरी बस यहां से ठीक स्टार्ट करना शुरू हुई। तो यहां से ये जस्ट लीव करना स्टार्ट हुई एक और बस, तब तक इसके आगे वाली बस यहां कहां पहुंच जाएगी? इधर पहुंच जाएगी। और कितना टाइम लेगी वो? टी मिनट। ये वाली बस जो होगी वो इससे कितने टाइम आगे होगी? होगी वो भी टी मिनट, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है सभी। ठीक है ना, ये वाली बस इससे कितना टाइम आगे होगी? टी मिनट। यानी सारी जो बसेस हैं एक दूसरे से टी मिनट आगे हैं। ठीक है, चलो, टी मिनट का टाइम इंटरवल है सभी बसेस में। ऐसा ही इधर से भी हो रहा है, बी से एक बस निकली, ये निकलने वाली है बस, ये यहां पर आ चुकी होगी, ये एक और इधर आ चुकी होगी, ये इधर आ चुकी होगी, ये यहां पर एक ए पर पहुंचने वाली होगी। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर भी समझ सकते हैं कि ये बस जब निकलने वाली है जस्ट, तो एक उसके आगे पहुंच गई है। ठीक है, तो ये बस इससे कितना टाइम आगे है? वो भी टी मिनट आगे है। ये वाली बस इससे कितना आगे है? वो भी टी मिनट आगे है। ठीक है ना, तो इधर से बी से ए की तरफ जाने वाली बसों के बीच में भी टाइम इंटरवल कितना है? टी मिनट ही है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बसेस हैं, ये वाली बस इधर जा रही है तो वी बी वेलोसिटी से जा रही होंगी इस डायरेक्शन में, और इधर से आने वाली बस इधर वी बी वेलोसिटी से आ रही होंगी, वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है,
एक बस जस्ट निकलने वाली है, ये वाली यहां पहुंच गई है, तो दो बसेस के बीच में जो सेपरेशन है वो सपोज एल है, तो ये एल सेपरेशन आप बता सकते हैं कितना होगा दो बस के बीच में सेपरेशन? यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी, वी बी, एक्सीलरेशन तो है नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वी बी हो जाएगी इनटू टाइम। यहां से यहां तक कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम, टी मिनट ले रहा है, लेकिन आर में चाहिए आंसर, तो अपन या आर में लिख लें यहां पर, तो टी मिनट को आर में कन्वर्ट करें टी बाई 60, तो क्या हो जाएगा वी बी इंटू टी बाय 60। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेंथ निकाल ली हमने। अभी हमने केवल बस दो बसेस के बीच में सेपरेशन निकाला, और ये सेपरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, एल कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा वी बी इंटू टी बाय 60। अब साइकिल के हिसाब से देखें, साइक्लिस्ट किधर मूव कर रहा है, ए टू बी, तो ये इधर भागा जा रहा है, देखो ये साइकिल बना लेता हूं, दो पहिए बना लिए मैंने, और इधर इसको बिठा देता हूं, ये बैठ गया, इधर भाग रहा है कितनी वेलोसिटी से, वी सी वेलोसिटी से मान लो, ठीक है, इधर जा रहा है बी की तरफ। अब ये क्या देखता है, पहली लाइन क्या दी है साइक्लिस्ट के लिए, कि जब ये इधर जा रहा है तो 18 मिनट के बाद, एवरी 18 मिनट एक बस उसके पीछे से निकलती है, ठीक है, मतलब एक मिनट निकल गई, एक बस निकल गई, उसके 18 मिनट बाद दूसरी बस निकलेगी, तो इसको टाइम इंटरवल बस का कितना दिखेगा, 18 मिनट का, 18 मिनट का टाइम इंटरवल दिखेगा, एक बस निकल गई उसके बाद दूसरी निकली इसके पास से, तो 18 मिनट का टाइम इंटरवल दिखेगा, लेकिन दो बस के बीच में लेंथ तो अभी भी वही रहेगी, सेपरेशन तो अभी भी वही रहेगा, तो हम एक काम करते हैं, इस साइक्लिस्ट के हिसाब से देखें, साइक्लिस्ट किधर जा रहा है, ए टू बी, जब ए टू बी जा रहा है और ये बसेस भी उसी के पीछे से ए टू बी ही जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम अगर दोनों बस के बीच में जो एक बस निकल गई फिर उसके पीछे से दूसरी बस आई, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, लेंथ इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वो लेंथ इक्वल टू इसमें भी वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन अब वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि दो दो आ गए, एक बस है और एक वो खुद साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट और बस सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस करके आएगी, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस करके आएगी, देख कौन रहा है, साइक्लिस्ट, ठीक है, तो साइक्लिस्ट ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल होगी, तो माइनस करेंगे या प्लस, माइनस, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी सी इंटू कितना टाइम लग रहा है, नहीं देख कौन, ऑब्जर्वर कौन है, साइक्लिस्ट है, तो वी सी भी क्यों, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक, ऑब्जर्वर माइनस होगा ना, ठीक है, अब टाइम कितना मिल लग रहा है उसको, 18 मिनट, 18 मिनट मींस 18 बाई 60, ये ठीक है। अच्छा लेंथ तो सेम है, तो ये जो लेंथ निकाली थी वही रखते हैं हम फर्स्ट से, तो वी बी इंटू टी बाई 60 इक्वल टू क्या आया, वी बी माइनस वी सी इंटू 18 बाई 60, लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 60 से 60 तो काट ही दो, ठीक है, और ये टी पता नहीं है, वी बी इंटू टी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी इंटू 18, ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन मान के छोड़ दो, चलो बाद में देखेंगे इसका। अब आ जाओ इधर से, कुछ बसेस बी से ए की तरफ भी जा रही हैं और साइक्लिस्ट इधर जा रहा है, सेपरेशन इनमें भी सेम है, लेंथ, लेंथ तो सेम है, तो अब लेंथ हम फिर से निकालें, इस साइक्लिस्ट के लिए जो बस इसके सामने से पीछे जा रही है, तो सामने से पीछे जा रही है तो कितने कितने मिनट के टाइम इंटरवल पर जा रही है, 6-6 मिनट के टाइम इंटरवल पर पीछे जा रही है, तो जब वो लेंथ निकालेगा तो अब क्या देखेगा कि इधर से साइक्लिस्ट जा रहा है, सामने से बस आ रही है, एक बस निकल गई, 6 मिनट बाद दूसरी बस निकली,
अगले 6 मिनट बाद दूसरी बस निकली, तो पहली बस जब निकली उसके 6 मिनट बाद दूसरी बस निकली, इसका मतलब बस के बीच में लेंथ निकालनी है, सेपरेशन निकालना है, वो एल कैसे निकलेगा? अब ऐड होगी, क्यों नहीं? क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा? वी बी प्लस वी सी इंटू, बोलो टाइम कितना? 6/60। ठीक है, लेंथ तो वही रहेगी फर्स्ट इक्वेशन से, वी बी इंटू टी बाय 60 कितना हुआ? वी बी प्लस वी सी 6/60 तो उड़ा दो, ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इधर देखो, वी बी इंटू टी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी इंटू 18 आया, इधर वी बी इंटू टी इक्वल टू वी बी प्लस वी सी इंटू 6 आया, तो थर्ड सेकंड और थर्ड का यूज करो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये भी वी बी टी है, ये भी वी बी टी है, तो इधर राइट हैंड साइड बराबर कर दो, तो हो जाएगा वी बी माइनस वी सी 18 इक्वल टू, बोलो वी बी प्लस वी सी इंटू 6। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो हमें दी हुई है, वी बी तो निकालना है, वी सी कितना बताओ? कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इंटू 18, वी बी कितना है निकालना है, वी सी कितना है? 20 इंटू 6, सॉल्व करें, 6 से ये 18 उड़ा दो, 3 हो गए, 3 वी बी माइनस 60 इक्वल टू वी बी प्लस कितना? 20, वी बी इधर आया, 4 वी बी इक्वल टू, बोलो हाँ 2 वी बी, बिल्कुल सही 2 वी बी बराबर, बोलो 80, तो वी बी कितना आया? 40 किलोमीटर पर आर। ये तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई किसकी? बस की। अब कितना टाइम इंटरवल लगेगा वो कैसे आएगा? किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें रख दो, ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड में वीबी, वीबी कितना निकला? 40, टी निकालना है, वीबी कितना निकला बोलो? 40, वीसी कितना था? 20 इंटू 18, 40 टी इक्वल टू कितना आया? 20 इंटू 18, सॉल्व करो, 18/ कितना? 2, 9, आंसर आया 9 मिनट, क्योंकि कैपिटल टी क्या था? मिनट में था, ठीक है ना? क्या किया था? हाँ, टी बाय 60 कर लिया, तो टी बाय 60 तो आर में हो गया था, लेकिन टी खुद का किस में था? मिनट में, तो इसलिए टी 9 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ भी नहीं है।